गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी खतरनाक सी क्लास में। तो गाइस आप देख सकते हो सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, आप सब लोग भी आ चुके हो और हम शुरू करने वाले आज की खतरनाक क्लास। और आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैं सभी बच्चों को सिखाने वाला हूँ कराटे। कराटे सीखना जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम सारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कराटे की। उससे पहले होगी थोड़ी सी पढ़ाई, बस एक आज दिक्कत है कि आज हमारे पास लकी बॉक्सेस नहीं है। कराटे क्लास के लिए हमने बहुत सारे लकी बॉक्सेस शिनचैन से। शिनचैन बहुत टाइम हो चुका है, शिनचैन को गए थे, वो अभी तक नहीं आया। देखते हैं कितनी देर में वो आता है, फिर अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जब तक सारे बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो, जो भी वीडियो देख रहा है उन सबको कमेंट करना पड़ेगा प्रेजेंट सर, फिर ही मुझे पता चलेगा कि आप सब लोग प्रेजेंट है। तो फटाफट से कमेंट कर दो प्रेजेंट सर। और मेरी क्लास में भी सब बच्चे आ चुके हैं, छोटा भीम, चॉप, शिवा, लिटिल सिंघम और हल्क। बस शिनचैन का आना बाकी है, वो लकी बॉक्स लेने गए, देखते हैं कितनी देर में आता है। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं पर भी लकी बॉक्स मिले नहीं, इसलिए लकी कंटेनर ले आया आपकी क्लास के लिए। ये भी बहुत खतरनाक होते हैं। अरे काइजर, शिनचैन को लकी बॉक्स नहीं मिले तो वो लकी कंटेनर यहाँ पे लेके आ चुका है। और ये देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा कंटेनर है लिटिल सिंघम वाला, और ये एक और कंटेनर हल्क वाला, एक और कंटेनर छोटा भीम वाला, और ये आखिरी कंटेनर शिनचैन वाला। पीछे और भी कंटेनर पड़े, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। गाइजर आज हम लकी बॉक्स की जगह यूज करने वाले खतरनाक लकी कंटेनर। तो गाइजर शिनचैन भी आ चुका और हमारे सारे लकी कंटेनर भी आ चुके, और सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल तैयार है इस खतरनाक लकी कंटेनर को खोलने के लिए। तो आज मैं सबको सिखाने वाला हूँ टेबल्स, 2 से 10 तक आज हम टेबल सीखने वाले हैं। हे विक्की मैं, ये तो बहुत इजी है, मुझे तो सारी टेबल आती है। क्या तुझे सारी टेबल आती है? हाँ सर, मुझे भी सारी टेबल आती है। अच्छा रुको, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, 4 6 क्या होता है शिनचैन, तू बता। छोटा भीम तुम मुझे बताओ 9 2 क्या होता है? सर अभी बताता हूँ, 9 2 4। 9 2 4, अबे तुम कौन से टेबल सीख के आयो? इसका मतलब है कि तुम में से किसी को भी टेबल नहीं आती। तो आज हम इनको सिखाने वाले 2 से लेके 10 तक टेबल। तो क्या सब बच्चे तैयार हो? हम तो तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। पुलिस की वर्दी शेर कदम, मैं भी तैयार हूँ। तो सभी बच्चे बिल्कुल तैयार है, पहले मैं इन सबको टेबल सिखाऊंगा, फिर मैं उससे टेबल वाले क्वेश्चन पूछूंगा, और जो भी सही आंसर देगा उसको मौका मिलेगा इन लकी कंटेनर्स को खोलने का। फटाफट से शुरू करते हैं 2 की टेबल से। 1 की टेबल तो सबको आती है ना? हेरी विक्की में 1 की टेबल तो बहुत ही अच्छी होती है। अरे सर 1 की टेबल तो सबको आती है, 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3। अच्छा ठीक है, मुझे पता है 1 की टेबल सबको आती है। हम शुरू करने वाले 2 की टेबल से, तो सब साथ में पढ़ेंगे। सब बच्चों को ये याद करना पड़ेगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। तो ये थी 2 की टेबल, सबको याद होगी ना? याद हो गई। तो अपन चलते हैं अपनी अगली टेबल की तरफ, जो कि है 3 की टेबल। और याद रखना, ये टेबल्स खत्म होने के बाद मैं सबसे सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तुम सबको ढंग से क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। बिल्कुल सही जवाब 30। अब बारी 4 की टेबल की, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। तो गाइस सर आपको भी सारी टेबल याद करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ में, और अगर आपको ये सारी टेबल्स आती है तो फटाफट से सारी की सारी टेबल कमेंट में लिख दो, देखते हैं किसको सबसे सही टेबल आती है। मैं आप पे छोड़ता हूँ 12 की टेबल, तो देखते हैं किस किस को 12 की टेबल आती है। तो फटाफट से कमेंट में पूरी की पूरी 12 की टेबल लिख दो,
और जिसकी भी सही होगी उसको एक बहुत ही बढ़िया प्राइज मिलेगा। तो फटाफट से लिख दो और अपन चलते अपनी 5 की टेबल की तरफ। अरे विकी में 5 की टेबल तो बहुत ही इजी होती है। अच्छा तो फिर सुना दे। 5 × 5, 5 × 12, 5 × 21, 5 × 32। अबे कौन सी कहानी कहा रहा है? 5 × 12 कब से होने लग गया और 5 × 21? शिनचैन तुझे कुछ नहीं आता है, किसी और को 5 टेबल आती है क्या? हाँ सर मुझे आती है 5 की टेबल। बताओ हल्क। 5 × 5, 5 × 10, की 8 × 8, 8 × 16, 8 × 34, 8 × 32, 8 × 40, 8 × 46, 8 × 64, 8 × 76, 8 × 80। तो अब है आखिरी सबसे हार्ड टेबल 9 की टेबल। तो चलो शुरू करते हैं। 9 × 1 9, 9 × 18, 9 × 37, 9 × 36, 9 × 45, 9 × 54, 9 × 63, 9 × 76, 9 × 83, 9 × 87, 9 × 81, 9, 10, 10, 90। मुझे सारे टेबल याद हो गई। अरे रुको रुको अभी 10 की टेबल बाकी है। अरे फेकी में 10 की टेबल तो सबको आती है, ये मत पढ़ाओ। क्या सबको आती है? चल शिनचैन फटाफट से 10 की टेबल सुना दे। ओके फेकी में 10 × 20, 10 × 30, 10 × 40, 10 × 50, 10 × 60, 10 × 70, 10 × 80, 10 × 90, 10 × 100, 100। बिल्कुल सही जवाब तो गाइस, शिनचैन को 10 की टेबल आती है, हल्क को 5 की टेबल आती है, बाकी टेबल मैंने सबको पढ़ा दिए। अब बारी क्वेश्चंस की, मैं बीच बीच में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ किसी से भी, सबको सही आंसर देना पड़ेगा। अगर सही आंसर दिया तो ये मौका मिलेगा खतरनाक सा कंटेनर खोलने का। तो फटाफट से सब के सब तैयार हो जाओ। तो तुम में से मुझे कौन बताएगा 4 × 6 क्या होता है? भीम की शक्ति तुम बचाए, सबसे पहला आंसर मैं दूंगा, 4 × 6 = 24। बिल्कुल सही जवाब तो काइजर भीम की शक्ति ने दे दिया। बिल्कुल सही जवाब 4 × 6 = 24। और ये खोलने वाला है खतरनाक सा लकी कंटेनर। भीम कौन सा कंटेनर खोलना चाहोगे? सर 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 मैं तो खुद का कंटेनर खोलना चाहूंगा, मैं देखना चाहता हूँ भीम की शक्ति कहाँ तक धूम मचाती है। तो काइजर हमारा छोटा भीम खोलना चाहता है खुद का एक कंटेनर, तो देखते से क्या मिलता है। भीम खोल दो गेट। ओके सर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, भीम की शक्ति तुम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। और काइजर अभी छोटा भीम का कंटेनर खुल चुका है और ये क्या, इसमें तो एक अंडा है। अरे फ्रैंकलिन सर ये अंडा नहीं, ये टुनटुन मौसी के लड्डू है, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल लड्डू बनाया। रुको अभी मैं इसको खा लेता हूँ। अरे काइजर लगता है उस कंटेनर में सही में टुनटुन मौसी का लड्डू था, वो खा के हमारा छोटा भीम तो बहुत ही बड़ा भीम बन चुका है। ये देखो कितना ज्यादा खतरनाक बन चुका है, ये कंटेनर तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसमें से एक एग निकला, मुझे लगा वो एग था पर वो टुनटुन मौसी का लड्डू था, उसको खाते ही हमारा छोटा भीम तो सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो तुम सब बच्चों ने देख ही लिया है, अगर तुम ये कंटेनर को खोलोगे तो क्या क्या मिल सकता है। अपन चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बताओ ये सबसे हार्ड क्वेश्चन होने वाला है, 9 × 9 क्या होता है? पुलिस की भारतीय शेर कदम। सर 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 मुझे बताएं, 9 × 9 = 81। तो कहे सर मैंने नहीं सोचा था कि कोई भी इतना जल्दी इस खतरनाक से हार्ड क्वेश्चन का आंसर देगा, पर हमारे लिटिल सिंघम ने इसका आंसर दे दिया, 9 × 9 = 81। और ये खोलने चाह रहे खतरनाक सा लकी कंटेनर। लिटिल सिंघम किसका कंटेनर खोलना चाहोगे? सर वैसे तो मैं अपना कंटेनर खोलना चाहता था, पर मैंने सोचा है मैं शिनचैन का कंटेनर खोलूंगा। अरे मेरे कंटेनर क्यों खोल रहे हो,
सारे कंटर मैं ही खोलूंगा ना। पुलिस की वर्दी शेर कदम लिटिल सिंगम खोलेगा यही कंटेनर, खुल जा खुल जा। और गाइस अभी लिटिल सिंगम लग चुका है शिनचैन का कंटेनर खोलने के लिए, देखने से क्या मिलने वाला है। और ये क्या मिला लिटिल सिंगम को? ये तो एक्शन कामिन वाली कार है और साथ में नैना को दीदी भी। और एक गाइस लिटिल सिंगम को एक्शन कामिन की कार और साथ में नैना को दीदी मिल चुकी है। पुलिस की वर्दी शेर कदम नैना को दीदी, चलो हम साथ में घूमने चलते हैं। और गाइजर ये क्या हो गया? अरे फेकी भैया आपने क्या कर दिया, वो मेरे नन्हे को दीदी ले गया और एक्शन कामिन की कार भी। और एक गाइजर लिटिल सिंगम के तो मजे हो गए, उसको खतरनाक से एक्शन कामिन की कार मिल गई और नन्हे को दीदी भी मिल गई। और गाइजर अभी हम देखने वाले हैं इस कार में ऐसा क्या खतरनाक है जो एक्शन कामिन की कार है। और ये क्या, ये तो पानी के ऊपर चल रही है। और ये उड़ रही है कि चल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये एक्शन कामिन की गाड़ी पानी के ऊपर चलती है और ये हवा में भी उड़ती है। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये शिनचैन को मिल सकती थी अगर उसको पता होता कि 99 जा क्या होता है। तेरी बेकी में इरिटे सिंगम ने अच्छे नहीं किया, मेरा कंटेनर खोल के, मुझे मेरा कंटेनर खोलना था। शिनचैन तू एक सही जवाब दे और तू इरिटे सिंगम का कंटेनर खोल लियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 58 जा क्या होता है? ओ फ्रैंकलिन मुझे पता है। हाँ चौप बताओ, 58 जा होता है 40। बिल्कुल सही जवाब। गाइजर मैंने कभी नहीं सोचा की चौप भी कभी सही जवाब दे पाएगा, इसने दे दिया बिल्कुल सही जवाब। और ये खोलने वाला है कंटेनर, देखते चौप किसका कंटेनर खोलने वाला है। ओ मैं तो हल्का कंटेनर खोलूंगा, मुझे हाइक बहुत पसंद है। रुको अब इसका कंटेनर खोलता हूँ। तो गाइस अभी चॉप हमारा खोलने वाला हल्का कंटेनर, देखते हैं इसे क्या मिलने वाला है। आओ मैं इसको चबा लूंगा, नम 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 नम। तो गाइस अभी चॉप ने हल्का कंटेनर खोल लिया और सामने से मैजिक धुआं निकल रहा है। आओ मैं इसमें जाकर देखता हूँ मुझे क्या होगा, चलो चलो चलते हैं। और गाइस चॉप चला गया मैजिक धुएं के अंदर। और गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा चॉप बन चुका है खतरनाक सा चॉप हल्क। ये कितनी ज्यादा तेज भाग रहे हैं और इसकी मसल्स तो देखो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आओ मैं तो बहुत खतरनाक हो गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो देखो मैं कितना तेज भाग पा रहा हूँ, आओ मजा आ गया। तो गाइस हमारा चॉप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका है। अगर आप भी बनना चाहते हो चॉप की तरह खतरनाक तो आपको कमेंट करना पड़ेगा चॉप, उससे आप भी बहुत खतरनाक बन सकते हो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो फटाफट से लाइक कर दो, जितना ज्यादा आप लाइक करते हो उतना ज्यादा आपका लक बढ़ता है। अरे गाइस आपको पता है कि नहीं, 1 लाइक = 1 लक। तो इस वीडियो में जितने ज्यादा लाइक होंगे और आप भी लाइक करोगे तो आपका लक बढ़ता जाएगा और आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। चलो गाइस अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, मुझे फटाफट से बताओ 10 7 जा क्या होता है? अरे बेकी में 70। वाह शिनचैन इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा तो इसने बहुत ही जल्दी जवाब दिया। पर कोई बात नहीं, शिनचैन ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया और ये खोलने वाला खतरनाक सा कंटेनर, देखते ही कौन सा कंटेनर खोलेगा। अरे बेकी में लिटिल सिंगम ने मेरा कंटेनर खोला था, मैं उसका खोलूंगा। चलो देखते हैं शिनचैन को क्या मिलने वाला लिटिल सिंगम के कंटेनर से। और ये शिनचैन ने मुक्काबाजी शुरू कर दी, देखते हैं हमारे लिटिल सिंगम के कंटेनर में से क्या मिलेगा। और गाइस शिनचैन ने लिटिल सिंगम का कंटेनर खोल लिया। कितना ज्यादा खतरनाक चीज लिटिल सिंगम के बॉक्स में से। और गाइस अभी आप देख लो शिनचैन हवा में उड़ने लग गए। अरे बेकी भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ शिनचैन ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस अभी शिनचैन को एक फ्लाइंग जेट पैक मिल चुका जिसमें शिनचैन कितनी ज्यादा तेज उड़ रहे हैं। अरे बेकी में ऐसे तो मैं नैना को दीदी के पास जा सकता हूँ। अबे शिनचैन भूल गया क्या, नैना को दीदी को लिटिल सिंगम लेके जा चुका है। अरे बेकी भैया लिटिल सिंगम भैया को वापस बुला। अबे शिनचैन रो मत, वापस आ जा। अरे बेकी मैं वापस नहीं आऊंगा जब तक हम लिटिल सिंगम भैया को नहीं बुलाओगे। अरे मता मेरे के। तो गाइस अब सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बचे, एक हल्क और शिवा। तुम दोनों पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते क्या? और हमारे पास सिर्फ एक ही लकी कंटेनर है जो की है शिवा का। तो देखते हैं क्या शिवा खुद का कंटेनर खोलेगा या फिर हल्क खोलेगा उसका कंटेनर, वो तो अभी पता चलने वाला है सिर्फ 1 मिनट में। अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भी इसका सही आंसर देगा वो खोलेगा आखिरी हमारा लकी कंटेनर। तो हमारा क्वेश्चन है 37 जा क्या होता है? सर 21। बिल्कुल सही जवाब। तो गाइस आखिरी सवाल का जवाब दे दिया है हमारे हल्क ने और ये खोलने वाले शिवा का लकी कंटेनर। तो गाइस शिवा एक भी आंसर नहीं दे पाया, मैंने इतनी अच्छी तरह से टेबल पढ़ाई थी पर इसने एक भी आंसर नहीं दिया। कोई बात नहीं,
अभी बारी है हमारे हल्की और ये खोलने वाला शिवा का कंटेनर, देखते हैं इसे क्या मिलने वाला है। खुल जा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, शिवा के कंटेनर को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। तो कोई सर, अभी आप देख रहे तो शिवा के कंटेनर को खोलने के बाद यहाँ पे बहुत सारे केमिकल आ चुके हैं, मुझे लगता नहीं है कि हल्क को उसको पीना चाहिए। सर मैं तो इसको पीऊंगा, देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। तो गाइस शिवा के कंटेनर का सारा केमिकल पीने के बाद आप देख सकते हो हमारा हल कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। गाइस इसकी तो बहुत सारी मुंडी भी बन चुकी है, 1, 2, 3, 4, 5, अरे मैं तो गिन भी नहीं पा रहा कितनी ज्यादा मुंडी है। अरे गाइस फटाफट से इसकी मुंडी देख के बताओ कितनी ज्यादा मुंडी है, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि हमारे हल की कितनी मुंडी है। और गाइस इसकी शक्तियां भी सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, आप देख सकते हो हमारा हल पूरी गाड़ियों को उड़ा दे रहा है, क्या क्या कर रहा है ये। सर मैं तो एक खतरनाक सा हल्क बन गया, मैं तो आपके पास पढ़ाई करने आया था, पर मैं तो एक खतरनाक सा हल्क बन गया, सबको खत्म कर दूंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा हल्क भी चला गया और शिवा रह गया। सॉरी शिवा तुम आज नहीं जीत पाए, पर तुम ढंग से पढ़ाई भी तो नहीं करते। तो गाइस अभी हमारी ये क्लास खत्म हो चुकी है, पर रुको रुको अभी हमारी कराटे क्लास बाकी है। मैंने आपको बताया था ना आज हमारी कराटे क्लास भी है, तो अब हम जाने वाले कराटे क्लास करने के लिए। उसके लिए हमें अलग लोकेशन पे जाना पड़ेगा, सभी बच्चों को मैंने बुला दिया, सभी बच्चे आते ही होंगे। हेलो बच्चों, तुम सबका स्वागत है आज के हमारी कराटे क्लास में, चिंचा। तो गाइस अभी सारे के सारे बच्चे आ चुके हैं मेरे से कराटे सीखने, और आज मैं इनको सिखाने वाला हूँ कैसे करते हैं कराटे। तो बच्चों सुन लो मेरी बात, कराटे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और कराटे सीखने के लिए तुमको बहुत ही अच्छा बनना पड़ेगा। एक बार तुम कराटे में प्रो बन जाओ तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता मेरी तरह। तुम में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? सर मैं। तो आ जाओ हल्क, हम आपस में लड़ाई करते हैं। सर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे रुक जा रुक जा, अभी तो फाइट शुरू भी नहीं हुई। 3, 2, 1 स्टार्ट। आ जाओ देखते कौन जीतता है। मैं मारूं कराटे चॉप या चू चा ची चा। कराटे सीखना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, मैं बातें करते करते इस हल्क को मार सकता हूँ बहुत ही ज्यादा इजीली, क्योंकि मैं कराटे में प्रो हूँ। ये तुम सब लोगों को सीखना है। ये देखो यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी को मैंने एक ही सेकंड में धूल चटा दी। तो क्या तुम सब तैयार हो कराटे सीखने के लिए? विकी मैम तैयार है, पर हल्क को तो उठा दो। हल थोड़ी देर में उठ जाएगा जब तक हम कराटे सीखते हैं। तो कराटे सीखने से पहले हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छे चॉप, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। सबके सब बच्चे बिल्कुल ढंग से स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि हम कराटे सीख पाए। अरे हल्क उठ जा तेरे पापा वरना मुझे मार देंगे, लगता है इसको ज्यादा तेज कराटे चॉप मार दिया, ये तो उठ भी रहा। बहुत अच्छा शिनचैन, मैं अच्छी तरह तो कर रहा हूँ ना। हाँ शिनचैन तुम बहुत ही अच्छी तरह कर रहे हो। तो गाइस अभी देख सकते हो सारे बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह कराटे की क्लास में कर रहे हैं, और आप भी हमारी कराटे क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट में करो कराटे। आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कराटे, तब आप हमारी कराटे क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। और ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरह ये कर रहे हैं। चलो अब रुक जाओ, अब मैं तुमको कराटे के मूव सिखाता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया ढंग से किक मारो, बिल्कुल ऊपर तक जाने चाहिए शिनचैन। शिनचैन ऐसा सोच के लिटिल सिंघम आया और वो नन्हे को दीदी को लेके जा रहा है, मार दे उसको। लिटिल सिंघम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ई हा ये ले ई हा। बहुत अच्छे, छोटा भीम भी बहुत अच्छी तरह कर रहा है, लिटिल सिंघम भी बहुत अच्छी तरह, चॉप भी बहुत अच्छी तरह कर रहा है, और शिवा भी बहुत ही अच्छी तरह कर रहा है। अब मैं तुम्हें नए मूव सिखाता हूँ, अपने हाथों को ऐसे घुमाओ और ऐसे मारो, ऐसे ऐसे। अगर तुमको मेरी तरह खतरनाक बनना है तो ये सब करना पड़ेगा, कराटे सीखना पड़ेगा। ही हा हू ही हा हू ही हा हू ही हा। एरी विकी मैं हां तो बहुत ही खतरनाक कर रहे हो। हां शिनचैन मैं बहुत ही खतरनाक कर रहा हूं, पर तुम भी ऐसा खतरनाक कर सकते हो, तुम अच्छी तरह कराटे सीखो तो। बहुत बढ़िया, ही हा हू ही हा हू ही हा हू बहुत अच्छे। तो गाइस अभी हमारे सारे के सारे बच्चे सीख रहे कराटे सिवाय हल्क को छोड़ के, वो अभी तक नहीं उठा, वो अभी तक बेहोश पड़ा है। तो गाइस आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, आज हमने पहले टेबल सीखी फिर उसके बाद कराटे भी सीखे, बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको अच्छी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो नई सारी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जॉइन और फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।